नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मेरे पीछे ना आप एक गाड़ी देख सकते हो। इतनी ज़्यादा पॉपुलर है ये गाड़ी इंडिया में। अरुण भाई की फेवरेट, मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद है, किया की सेल्टोस। और ये जो सेल्टोस है ना, ये अभी लेटेस्ट वाली नहीं है, ये 2022 की वेरिएंट है। और मैं लिटरली बताता हूँ ना भाई, कैपेबिलिटीज़ वगैरह जो देखोगे, देखो आप इधर उधर कहीं भी देख लो यार, सड़क नहीं है, कहीं भी सड़क नहीं है, सामने भी देखो तो भयानक ऑफ रोडिंग कर लेती है ये गाड़ी। ये अपने भाई की ही गाड़ी है, तो इस गाड़ी का ना आज हम पूरा एक ओनरशिप रिव्यू देख लेंगे। 2022 की मॉडल है ये, और 2 साल इसको करीबन हो गए हैं गाड़ी को। और गाड़ी ना क्या कुछ रिस्पॉन्स है इस 2024 में। ये जो आप फेसलिफ्ट देख रहे हो ना, ये अभी जो फेसलिफ्ट आई हुई है उसके एक प्रीवियस फेसलिफ्ट है, मतलब एक प्रीवियस वाली फेसलिफ्ट। अभी वाले में क्या आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लाइट वाइट चिपका दिया गया है, पीछे टेल लैंप्स वगैरह में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स दे दिए गए। अब सबसे बड़ी चीज़ ना, ये गाड़ी ST K+ वेरिएंट है। लगभग 15.5 लाख रुपया इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस पड़ गया था 2022 में। अभी अगर आप इस गाड़ी को लेने जाते हो ना ST K+ वाली वेरिएंट में, तो भाई 18 लाख इस गाड़ी की एक्चुअल शोरूम प्राइस है। प्लस अगर आप ऑन रोड करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्राइस पड़ जाती है, लगभग 1.5-1.5 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन वगैरह लेके, इंश्योरेंस वगैरह लेके पड़ जाती है। मतलब 19 लाख में आपको ST K+ वाली वेरिएंट देखने को मिल जाती है। और टॉप मॉडल की कीमत 2024 में ना 23 लाख रुपये तक छू जाती है, जो इसकी GT line वगैरह आ जाती है। ठीक है यार, 2022 की वेरिएंट है। अब ये अपने ही भाई की गाड़ी है, सो कैमरे में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो भाई ने मुझे बता रखा है कि क्या कुछ इस गाड़ी का रिस्पॉन्स है इन 2 सालों में। तो सबसे पहले ना भाई, आपको मैं इस गाड़ी का थोड़ा थोड़ा कुछ मस्त मस्त फीचर बता देता हूँ। देखो ये ST K+ वेरिएंट में ना आपको बस खाली सनरूफ नहीं आता, बाकी हैज यूजुअल सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि भाई को उतना नीड नहीं था सनरूफ का। तो ST X जो वेरिएंट आती है ना, मतलब ST X वेरिएंट, ST X+ जो वेरिएंट 2022 की बात कर रहा हूँ, उसमें सनरूफ वगैरह और जो टायर इंचेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिल जाते थे देखने में। खैर ST K+ वाली वेरिएंट में ना बहुत सारे फीचर्स दे दिए जाते हैं। देखो प्रोजेक्टर्स आपको यहाँ, फॉग लैंप भी दे दिए जाते हैं, प्रोजेक्टर यहाँ, हेड लैंप्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, DRLs वगैरह तो मिलते ही हैं, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं अंदर वगैरह सब कुछ। तो फीचर्स पर नहीं आते हैं, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ले आऊँगा रिव्यू का। खैर बात कर लेते हैं इस गाड़ी की 2 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है क्या नहीं रही। तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको स्मार्ट की देखने को मिल जाता है, प्लस गाड़ी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। लॉक कर दोगे अंदर, बस ऐसे आओगे ना तो ये गाड़ी का ओआरएम वगैरह खुल जाता है। अब देखो गाड़ी ना चल चुकी है प्रॉपर 72,530 किलोमीटर, मतलब 72,530 किलोमीटर इस गाड़ी की टोटल ड्रिवन हो चुकी है। इन 72,000, मतलब मान के चलो ना 72,500 किलोमीटर गाड़ी चली है, डीजल में है, 1.5 CRDI इंजन आता है, Hyundai का जो क्रेटा यूज़ करती थी ना वही इंजन इस गाड़ी में भी आता है। लुक्स वाइज नो डाउट बहुत अच्छी लगती है मुझे किया सेल्टोस। प्लस जो उसकी कैपेबिलिटी है ना, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको डीजल में देखने को मिल जाता है, जो कि ना इतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, आराम से यार कहीं भी निकल जाती है, बहुत फास्ट है गाड़ी। इन 2 सालों में इस गाड़ी की एक बार टायर्स चेंज हो चुकी है, मतलब हो गया होगा भाई लगभग 30-35-40 हज़ार में इस गाड़ी के टायर चेंज हुए, तो चारों गाड़ियों की टायर्स यहाँ पे चेंज हो गई। और ST K+ वाली वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के यहाँ पे अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते थे। एक्स वाला अगर वेरिएंट लेते, ST X वेरिएंट, वहाँ 17 इंची बढ़ जाता और थोड़ा डायमंड कट वगैरह चिपका दिया जाता। पर गाड़ी में एज यूजुअल भाई ने कोई भी एसेसरीज नहीं लगाया है एडिशनल। बैक में भी अगर आप देखते हो ना, तो सेम लुक, ये 2022 वाली ऐसी लगती थी देखने में, तो सेम लुक ही है। टॉप मॉडल में भी यही सेम ही लुक दिया जाता है। ये गाड़ी का मैं आपको बताता हूँ, सर्विस ऑन रिकॉर्ड है, मतलब गाड़ी किया से ही सर्विस होती है, कहीं और से सर्विस नहीं होती है। 6 सर्विसिंग वगैरह आराम से डन हो चुकी है, बाकी ऑन रोड रिकॉर्ड वगैरह सर्विसिंग वगैरह तो होती ही रहती है। अब इसको लेने का एक और भी बड़ा रीज़न है ना, कि इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा कम आ जाती है। लगभग अभी तक जिस गाड़ी की 6 सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मेजर सर्विसिंग ना इस गाड़ी में, मतलब सबसे ज़्यादा खर्चा सिर्फ 12,000 रुपये तक को, जिसमें इस गाड़ी की ब्रेक शूज़ वगैरह चेंज हुई थी मेजर किलोमीटर में, बाकी एज यूजुअल किया सेल्टोस की सर्विसिंग बहुत कम दामों में हो जाती है, लगभग 6,000-7,000 के बीच में हो जाती है, और रेगुलर चेकअप वगैरह तो होती ही रहती है। अभी हाल फिलहाल में इस चीज़ को नोटिस किया गया, अगर आप गाड़ी को अच्छे खासे दिन के लिए रख देते हो ना, इसमें एक रीजनरेशन का आपको कोड मिलेगा, मतलब गाड़ी ना कार्बन जम जाती है पीछे, तो गाड़ी अगर आप बहुत दिनों तक नहीं चला रहे हो तो होता क्या है ना, फिर गाड़ी आपको बोलेगी कि आधे घंटे तक इसकी इंजन को ऑन कर 2,000 RPM पे AC वगैरह हर चीज़ ऑन कर रखना पड़ जाता है, तो जाके वो रीजनरेशन का जो यहाँ पे
आ जाता है ना साइन, वो हटता है और जब जाके गाड़ी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये चीज़ तो अगर आप बहुत दिनों के लिए रख देते हो तब एज यूजल, मतलब 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रख दोगे तो आराम से ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब 2022 वाले वेरिएंट में तो मिलती ही मिलती है। 2 सालों में ना इस गाड़ी में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है, इवन गाड़ी की ना ब्रेक डाउन हुई है ना ऐसा कुछ मेन पार्ट्स वगैरह ख़राब हुई। देखो यार जिन्यूनली अगर मैं बताऊँ ना तो आप ऑन रिकॉर्ड सर्विसिंग रखोगे, मेंटेनेंस कर रखोगे गाड़ी में तो दिक्कत नहीं आती है। प्लस डीजल वाली वेरिएंट है ना तो बड़ा अच्छा टॉर्क इस गाड़ी में, 113 BHP की पावर देखने को मिल जाती है। और क्या चाहिए बताओ, टायर्स वगैरह अच्छे हैं। अभी मैंने जस्ट इसको यहाँ से ऑफ रोडिंग करके लाया यार, 190 mm का जो इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस है ना, इस गाड़ी को बहुत अच्छा कैपेबल बना देती है। मतलब आप छोटे मोटे ऑफ रोडिंग तो आराम से कर सकते हो इस गाड़ी से। और भाई पर्सनली भी ना गाड़ी की एक बार आप ओवरऑल लेंथ देख लो, अभी तक इस गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप्स की अगर बात करूँ तो 800-900 किलोमीटर तो आराम से चल, मतलब एक ट्रिप पे चली गई है, लगभग बनारस वगैरह हो गया, पटना वगैरह हो गया तो आराम से चली जाती है। और इवन गाड़ी को रोकना नहीं पड़ता है कहीं पे, ये एक बार में 500 किलोमीटर खिंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता है। मतलब इंजन हीटिंग वाला इशू वगैरह कुछ नहीं, 500 किलोमीटर से ज़्यादा ही खिंच जाती है। 1.5 लीटर का इंजन है ना तो बहुत रिलायबल इंजन है यार, जो फर्स्ट जनरेशन क्रेटा वगैरह आती थी। भाई इंटीरियर में 2022 में क्या कुछ मिल जाता है यार, देखो स्क्रीन वगैरह सब कुछ दे कर देती थी किया को, मतलब कुछ भी मैं इसमें कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं दिया जाता था। और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट उस टाइम में या अभी भी मेरे हिसाब से पूछोगे तो STK प्लस लीजिए, STK वाली वेरिएंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी वाले में तो सनरूफ वगैरह भी दे देती है, कहे कि पैसा ना बहुत ज़्यादा हो गया, 2.5-3 लाख रुपये किया ने बढ़ा दिया इस गाड़ी में। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती थी। प्लस इस गाड़ी में आपको ना ऑटोमेटिक हिल होल्ड असिस्ट भी देखने को मिल जाता है, गाड़ी के ब्रेक्स को अगर आप कंटिन्यूसली दबा कर रखे हो तो लॉक कर देता है, ब्रेक्स चक्कों को लॉक कर देता है और फिर आपको एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ जाता है तो जाकर ना ये गाड़ी अनलॉक मतलब रिलीज़ करती है अपने ब्रेक्स वगैरह। 15 लाख रुपये में ना बहुत सारे ऑप्शंस आ जाती थी, ह्यूंडाई में भी क्रेटा वगैरह आ जाती थी, पर भाई ने इसी गाड़ी को क्यों परचेज़ किया मैं बताता हूँ। देखो यार ह्यूंडाई कहीं इंजन इस गाड़ी में मिल जाता है तो एक रिलायबिलिटी तो बन ही जाती है किया की तरफ से। प्लस फीचर्स ना किया अपने गाड़ियों में बहुत ज़्यादा देती है जब से किया लॉन्च हुई है इंडिया में। सो इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है वो मक्खन जैसी एकदम स्मूथ है, पूरा स्मूथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक उंगली से घूम जाती है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है इस गाड़ी की। प्लस आपको ना बेस वेरिएंट से भी बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में, एनालॉग वगैरह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को। टॉप एंड वेरिएंट अगर GT लाइन वगैरह लोगे ना तो बस ये सब चीज़ें डिजिटल हो जाती है और ये तो आपको सेम एज वेल देखने को मिल ही जाता है। 10 इंची का यहाँ पर डिस्प्ले आ जाता पर इसमें भी आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह सब चल जाती है। गाड़ी की ना AC अभी के टाइम में 2024 के टाइम में बता रहा हूँ यार, किया सेल्टोस के जैसा AC ना किसी गाड़ी का नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा चिल करती है, इतनी ज़्यादा चिल करती है। समर के टाइम पे अगर आप इसको सिर्फ 2 पे रख दोगे ब्लोअर्स को और नॉर्मली इसको ये लो टेम्परेचर में, भाई यार शिमला वगैरह बना देगी। चेक आउट कीजिए, मैं क्रेटा और ये जो सेल्टोस है ऑलमोस्ट सेम है, पर ना सेल्टोस की जो स्पेस है ये वाली और क्रेटा की जो स्पेस है, क्रेटा फर्स्ट जनरेशन मेरे हिसाब से इससे थोड़ी बड़ी थी और अभी वाली का नहीं पता यार, ऑलमोस्ट सेम होगा लेकिन आराम से इसमें है ना 3 जन तो बैठ ही सकते हैं, 6 जनों के लिए गाड़ी आराम से चल जाएगी बहुत अच्छे से, कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है। सो यार इन 2 सालों में किया सेल्टोस की कुछ ऐसी रिस्पॉन्स रही है, आपको पूरा बता दिया मैंने। अब वीडियो को ना एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब पक्का से पक्का कर देना भाई, क्योंकि हमारे नए वीडियोस का आपके नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी मिल जाएंगे।